दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने मांग की है कि जिस रास्ते पर लड़की को घसीटा गया उस रास्ते में पड़ने वाले तमाम पुलिस पिकेट और पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। इसमें शराब के नशे और नए साल के जश्न में डूबे युवा टक्कर के बाद कार में फंसी स्कूटी सवार युवती को घसीटते रहे। इससे युवती के शरीर से कपड़ों के साथ ही मांस के भी चिथड़े उड़ गए, लेकिन युवकों ने कार नहीं रोकी। करीब 12 किलोमीटर बाद आरोपियों ने कार बैक करके युवती का शव निकाला और फरार हो गए। हम लोगों ने देखे सिर्फ पुलिस कमिश्नर साहब को और उप कमिश्नर साहब को हम लोगों ने एक पत्रक दिया है और वहाँ जा ये उपरोक्त फोरम तक पहुँचाएँ कि और ये भी कहा है कि जो एलजी साहब तो पहले इस्तीफा दें, वो गार्जियन के लायक नहीं है, उनको गार्जियनशिप निभानी नहीं आई। और दूसरे उस 12-13 किलोमीटर तक में जिस लड़की को घसीटा गया उसके अंदर में जो भी थाने आते हैं, चौकी आती है, पिकेट आता है, उसके सभी अध्यक्षों को, सभी लोगों को निलंबित किया जाए, इसकी हम लोगों ने मांग की है। अभी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कल से अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग धरना करेंगे सड़कों पे उतर।